गोल्ड खासतौर पर सरकारी गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ा झटका लग सकता है। कुछ खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद करने पर विचार कर रही है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट तो सामने नहीं आई है। क्या कुछ अपडेट है, क्या हो सकता है, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को डिसकंटिन्यू कर सकती है। रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार इस स्कीम को महंगा और मुश्किल मान रही है और इसी कारण सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बंद करने पर विचार किया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ये स्कीम 10 साल भी पूरा नहीं कर पाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोने के इम्पोर्ट पर लगाम लगाने के लिए साल 2015 के एंड में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है। स्कीम से इन्वेस्टर्स को काफी फायदा हो रहा था और उनके लिए ये पैसे को डबल करने वाला निवेश साबित हो रहा था, और साथ ही टैक्स से मिलने वाली छूट इस स्कीम को निवेशकों के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। दरअसल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों को एक साथ कई फायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो मार्केट में आ रही तेजी के हिसाब से उनके निवेश की वैल्यू बढ़ती है। उसके अलावा निवेशकों को हर साल 2.5% के इंटरेस्ट से कमाई होती है। गोल्ड बॉन्ड मैच्योर होने के बाद निवेशकों के हाथ में जो पैसे आते हैं उस रकम पर टैक्स से पूरी तरह छूट भी मिलती है। निवेशकों को ऑनलाइन बॉन्ड खरीदने पर ₹50 प्रति ग्राम की छूट भी मिलती है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों को फिजिकल गोल्ड के निवेश पर होने वाले कई नुकसान की चिंता भी नहीं होती। फिजिकल गोल्ड खरीदने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत प्योरिटी को लेकर होती है, जिसके चलते वैल्यू में गिरावट आती है। SGB में इस तरह की चिंता नहीं रहती। फिजिकल गोल्ड को सिक्योर रखना भी अलग समस्या होती है, जो कि SGB के साथ नहीं है। SGB में मेकिंग चार्ज एक्सेट्रा का भी कोई झंझट नहीं होता, और साथ ही SGB में निवेशकों को ज्यादा लिक्विडिटी का फायदा भी मिलता है, क्योंकि इन्हें शेयर्स की तरह बाजार में कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। अब निवेशकों को भले ही गोल्ड बॉन्ड से कई फायदे हो रहे हों, लेकिन सरकार को लगता है कि गोल्ड बॉन्ड उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। सरकार ने इस साल बजट में बताया था कि उसके ऊपर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों का बकाया तेजी से बढ़ गया है। इस बकाए का आंकड़ा मार्च 2020 में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर 85,000 करोड़ रुपए हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक SGB को बंद करने के बारे में सरकार अगले महीने यानी कि सितंबर 2024 में फैसला ले सकती है, और इसकी शुरुआत नवंबर 2015 में हुई थी। यानी कि स्कीम को 10 साल भी नहीं हुए हैं और अब स्कीम को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि सरकार इसे मुश्किल मान रही है। आपको क्या लगता है, आपको SGB स्कीम कैसी लगती थी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।